6 मार्क्स का एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, बट लेट मी टेल यू व्हाट, इस बार कुछ अलग अलग टाइप के लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे कन्वर्सेशन बेस्ड क्वेश्चंस, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, प्रेजेंटेशन ड्राफ्ट क्वेश्चंस, स्पीच ड्राफ्ट क्वेश्चंस, डायरी एंट्री क्वेश्चंस। लिटरली डायरी एंट्री पे क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को अगर तुम सही फॉर्मेट पे लिखते हो, उन सारे टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस को, तो 6 मार्क्स तुम्हारे इजीली तुम्हारी जेब में होंगे। और एग्जैक्टली हर टाइप के क्वेश्चंस को किस तरह से लिखना है सही फॉर्मेट और ट्रिक से क्या क्या लाइन ऐड करनी है, वो सब देखने वाले इस वीडियो में। तो प्लीज ये वीडियो एंड तक देखना, और अगर इस वीडियो को एंड तक देख डाला तो 6 मार्क्स देंगे लाला। क्या हाल पढ़ ले गैंग, हमने ऑलरेडी टॉप 100 क्वेश्चंस इंक्लूडिंग ऑल दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये सारे टाइप के क्वेश्चंस हमने इस वीडियो में कर रखे हैं दोनों बुक से। बट इस वीडियो में मैं क्विकली तुम्हें रिवाइज करना चाहता हूं हर टाइपोलॉजी का पैटर्न। जैसे ये क्या है, ये है डायरी एंट्री वाला क्वेश्चन, ठीक है। किसी भी चैप्टर से आ जाए डायरी एंट्री क्वेश्चन, तो पैटर्न क्या रहेगा, लिखने का फॉर्मेट क्या रहेगा, वो देखो। आ जाओ नीचे ये वाले क्वेश्चन में ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा डायरी एंट्री। ये वाले क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन देखो, पढ़ो। इमेजिन योरसेल्फ एज द यंग सीगल फ्रॉम हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड यू हैड अ फियर ऑफ फ्लाइंग। तुम्हें उड़ने से डर लगता है ना, क्योंकि यंग सीगल को लगता था। बट वेन यू इनकाउंटर्ड योर फियर, इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर यू, राइट अ डायरी एंट्री एक्सप्रेसिंग योर इमोशंस। अब डायरी एंट्री लिखना है तो फॉर्मेट क्या रहेगा, ये आंसर है, आंसर खेलेंगे तुमने डायरी कॉपी पे। सबसे पहले तुमने क्या लिखा, डेट, और जो फॉर्मेट में लिखा हुआ है एग्जैक्ट यही फॉर्मेट में डेट लिखना है। फिर क्या लिखना है, डे, एंड फिर क्या लिखना है, टाइम। फिर स्टार्ट करना है, इन तीन चीज को लिखने के बाद ये लिख करके, डियर डायरी कॉमा, फिर पैराग्राफ चेंज करके नीचे वाली लाइन से स्टार्ट कर दो, खुद को आई बन के, जैसे तुम डायरी लिखते हो, और क्या बन के, यहाँ पर जो आई लिखा है, ये आई है कौन, ये है यंग सीगल, ठीक है। देखो, आई वॉज फीलिंग इनक्रेडिबली लॉनली विदाउट माई फैमिली, आई वॉज द ऑनली पर्सन ऑन द लेज बिकॉज माई सिस्टर एंड ब्रदर हैड टेकन द फ्लाइट, आई वॉन्टेड टू सो विद देम, बट वेन आई सॉ हाउ फार द सी स्ट्रेच आउट बिफोर मी आई बिकेम अफ्रेड, कि मैं भी उड़ना चाहता था अपने भाई बहन की तरह, बट जब मैंने देखा कि इतना लंबा सी है तो मैं डर गया। I fled and hid in my tiny hole because I was certain that my wings could not support me. मुझे लगता था कि मेरे wings support नहीं करेंगे. My parents were instructing them in the finer points of flying today as I saw them all flying above. है ना? I was left to starve. कि मुझे भूखे मरने के लिए छोड़ दिया गया था. Although my mother was gazing at me with hope in her eyes. मेरी माँ की आंखों में होप थी एक कि मैं उड़ूंगा। I was unable to muster up the courage. Muster means होता है जमा करना, collect करना. कि मैं courage नहीं collect कर पा रहा था. हिम्मत नहीं खट्टी कर पा रहा था। माई मदर देन फ्लू टू मी कैरिंग अ पीस ऑफ फिश। पूरा लिखो जो हुआ तुम्हारे साथ डायरी एंट्री में, जैसे हम लिखते हैं ना पूरे दिन में क्या क्या हुआ, फॉर्मेट तुमने ऊपर देख लिया। फिर लिखना कैसे, डिया डायरी करके, जो जो हुआ तुम्हारे साथ, क्या हुआ था उस यंग सीगल के साथ, पूरा लिखो कि कैसे वो फिश लेके आई, फिर मैं जंप किया और फिश के तरफ, और फिर जैसे ही मेरे तरफ विंड आई, मेरे विंग्स अपने आप स्प्रेड हो गए एंड आई वॉज एबल टू स्टार्ट फ्लाइंग। बींग एबल टू फ्लाई वॉज अ ब्यूटीफुल सेंसेशन। माई फैमिली क्विकली सराउंडेड मी एंड वी ऑल जॉयफुली वेंट टुवर्ड्स द सी। अब जैसे ही तुम्हारी वर्ड लिमिट कंप्लीट हो गई, 120 वर्ड या जितने भी वर्ड्स की लिमिट है, उसके बाद एक छोटी सी कंक्लूजन वाली लाइन देके, सीगल, दैट्स ऑल आई हैव टुडे, गुड नाइट सीगल, क्योंकि तुम एक सीगल थे, है ना, सीगल। किसी और चैप्टर से आएगा, मान लो तुम्हें लेंचो बनना है, तो नीचे क्या लिखोगे, लेंचो, दैट्स ऑल आई हैव टुडे, गुड नाइट लेंचो, ठीक है। तो ये था डायरी एंट्री। एक और टाइप का क्वेश्चन है हमारा, स्पीच ड्राफ्ट। कौन सा क्वेश्चन, स्पीच ड्राफ्ट वाले क्वेश्चंस क्या है, इसमें पढ़ो, पहले क्वेश्चन पढ़ो। यू हैव बीन चूजन टू एड्रेस अ स्टूडेंट गैदरिंग, ठीक है, स्टूडेंट गैदरिंग को एड्रेस करना, यानी भाषण देना है। स्पीच का मतलब ही क्या है, सबको पता है, फ्रॉम द नेबरिंग स्कूल्स टू स्पीक ऑन द रिजिलियंस ऑफ ह्यूमन स्पिरिट रिक्वायर्ड टू ट्रांसेंड डिस्क्रिमिनेशन। प्रिपेयर द स्पीच ड्राफ्ट इन नॉट मोर देन 120 वर्ड्स विद रेफरेंस टू द कॉमनैलिटी ऑफ थीम्स इन नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम एंड ट्रीज बाय एड्रियन रिच। इस तरह का चीज आ सकता है दो चैप्टर को कंबाइन करके, कि तुम्हें एक स्पीच ड्राफ्ट तो लिखना है, बट कहां से रेफरेंस लेना है, दो चैप्टर से, एक नेल्सन मंडेला वाला चैप्टर और एक ट्रीज वाली जो पोयम थी। तो हमने देखा था नेल्सन मंडेला ने कैसे टॉपिक क्या अपना स्पीच का, स्पीच का टॉपिक है टू ट्रांसेंड डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन को खत्म कैसे किया था नेल्सन मंडेला ने अपार्थाइड के खिलाफ, और ट्रीज कैसे खुद को आजाद करना चाहता है, पोयम हमने देखा था। दोनों के रेफरेंस में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले फॉर्मेट, जैसे तुम स्पीच देते हो, खुद को इमेजिन करो दैट यू आर मिस्टर मोदी एंड अब तुम स्पीच देने जा रहे हो, क्या करोगे, सबसे पहले एड्रेस करोगे ऑडियंस को, गुड मॉर्निंग एवरीवन, ठीक है, ये बोला। फिर टुडे आई'd लाइक टू डिस्कस, इस तरह से स्पीच स्टार्ट करता ना, कि आज मैं क्या डिस्कस करने वाला हूं, क्या डिस्कस करना चाहता हूं, तो आई'd लाइक टू डिस्कस टू पीसेस ऑफ लिटरेचर दैट ऑफर अ पावरफुल इनसाइट इनटू द रेजिलियंस ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट रिक्वायर्ड टू ट्रांसेंड डिस्क्रिमिनेशन। यानी पहले तुमने सबको संबोधित किया, सैल्यूटेशन, गुड मॉर्निंग कर दिया, फिर क्या डिस्कस करना चाहते हो, वो टॉपिक के बारे में बता दिया, टू द रेजिलियंस ऑफ ह्यूमन स्पिरिट रिक्वायर्ड टू ट्रांसेंड डिस्क्रिमिनेशन। फिर आगे बस स्टार्ट कर दो, दे आर नेल्सन मंडेला, कौन कौन से चैप्टर है वो लिख दो, दोनों चैप्टर। फिर उसके बाद कैसे कैसे स्ट्रगल क्या थी, किस तरह से दोनों कैसे कैसे ऑपरेशन फाइट किया नेल्सन मंडेला जी ने। फिर ट्रीज कैसे अपनी करेज और डिटर्मिनेशन दिखाते हैं चैलेंजेस से ऊपर उठने के लिए,
बोथ नेल्सन मंडेला एंड द ट्री फेस ट्रेमेंडस हार्डशिप एंड सैक्रीफाइस इन दियर क्वेस्ट फॉर जस्टिस एंड इक्वालिटी। इस तरह से पूरा लिखो, दे रिमाइंड अस, अब एक अच्छा सा कंक्लूजन दे दो, अच्छी बात करो जिनके बारे में बात कर रहे हो ना, दे रिमाइंड अस दैट वी शुड नेवर गिव अप ऑन अवर ड्रीम्स एंड राइट्स नो मैटर हाउ डिफिकल्ट द सर्कमस्टेंसेस आर। सर्कमस्टेंस मतलब हालात, कंडीशंस। दे ऑल्सो आर जस्ट टू स्टैंड अप अगेंस्ट एनी फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड जस्टिस दैट वी विटनेस और एक्सपीरियंस इन आवर सोसाइटी। दे ऑल्सो सेलिब्रेट द ब्यूटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ इन ऑल इट फॉर्म्स। थैंक यू। एंडिंग कैसे करनी है स्पीच की? थैंक यू। स्टार्टिंग कैसे किया था? सैल्यूटेशन से, गुड मॉर्निंग से। तो ये था स्पीच ड्राफ्ट। जैसे ये एक और एग्जांपल है स्पीच ड्राफ्ट का कि द प्रपोजल चैप्टर के स्पीच ड्राफ्ट बनाना है 120 वर्ड्स में। स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो एग्जांपल। गुड मॉर्निंग एवरीवन, उस तरह स्टार्ट किया कि टुडे आई'ड लाइक टू डिस्कस या टॉक अबाउट द प्ले, फिर वो किया, स्क्रीनशॉट ले लो और एंडिंग कैसे की। ठीक है, सो स्टॉप स्पायरलिंग एंड ऑलवेज कम टू द पॉइंट व्हाट एवर हाउ एवर यू डू। फिर एक क्वेश्चन जरूर 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 आएगा, एक क्या कई क्वेश्चन आ सकते हैं कैरेक्टर स्केच के ऊपर, और ये बहुत सिंपल टाइप का क्वेश्चन होता है। यहाँ पे लिखना है हमें एजेंट ऑसिबल के ऊपर कैरेक्टर स्केच, तो उसके बारे में जो भी तुम्हें चैप्टर में पता है ना, उसको एक पैराग्राफ में या पैराग्राफ चेंज भी कर सकते हो, तुम्हें उसमें लिखना होता है कैरेक्टर स्केच, यानी कि उसके बारे में, उस कैरेक्टर के बारे में क्या क्या बताया गया स्टोरी में। तो ऑसिबल क्या था? वॉज अ सीक्रेट एजेंट। ही वॉज अ फैट एंड स्लॉपी फेलो बाय लुक्स। लुक्स से वो फैट था, अजीब सा था। इन हिज अपीयरेंस ही डिड नॉट सीम टू बी अ रोमांटिक और आइडियल पर्सनैलिटी ऑफ अ सीक्रेट एजेंट। देखने में अपीयरेंस में नहीं लगता था कि कोई सीक्रेट एजेंट है ना। ही केम टू पेरिस फ्रॉम बोस्टन 20 ईयर्स अगो। ही कुड स्पीक फ्रेंच एंड जर्मन पैसिवली, ठीक ठाक बोल लेता था। ही हैड नाउ कम्प्लीटली लॉस्ट द अमेरिकन एक्सेंट। तो ये सारी डिटेल्स जितनी भी तुमने पढ़ी चैप्टर में, हम इस वीडियो में फॉर्मेट पे फोकस कर रहे हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने देख लिए ऑलरेडी उस वीडियो में, जिसमें मैंने दोनों बुक्स के टॉप 100 क्वेश्चन करवाए हैं, वो जाके देखना। यहाँ पे हम फॉर्मेट रिवाइज कर रहे हैं, समझ गए किस तरह से कैरेक्टर स्केच लिखना है। नाउ नेक्स्ट, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। देखो इस तरह से स्टेटमेंट देगा कि रिचर्ड एम्ब्राइट पोजेस्ड ऑल द क्वालिटीज रिक्वायर्ड टू सक्सीड एज अ साइंटिस्ट। नाउ जस्टिफाई। अब इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करो, तो पहले स्टेटमेंट को पहले अच्छे तरीके से समझो। ठीक है, कि बोला गया है कि रिचर्ड एम्ब्राइट के पास सारी वो क्वालिटीज थी एक सक्सेसफुल साइंटिस्ट बनने के लिए। तो हाँ, कोई भी स्टेटमेंट देगा ना जस्टिफाई करने को, तो ये मत बोल देना कि नो आई एम नॉट, आई डोंट अग्री विद द स्टेटमेंट। हमेशा लिखना है येस द स्टेटमेंट इज जस्टिफाइड। तो टू बिकम अ साइंटिस्ट वन नीड्स टू हैव अ कीन आई, गुड थिंकर एंड ऑल्सो हार्ड वर्किंग। टू बी गिवन गुड मेजर इन वंस वर्क, साइंटिफिक क्यूरियोसिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रीडियंट ऑफ विच रिचर्ड एम्ब्राइट वॉज। ठीक है, पूरा का पूरा लिख दिया कैसे कि हाई स्कूल में क्या क्या था, सारी चीजें लिख दी और फिर लिख दिया येस दैट रिचर्ड एम्ब्राइट पोजेस्ड ऑल द क्वालिटीज रिक्वायर्ड टू सक्सीड एज अ साइंटिस्ट। ठीक है, स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है। देन एक और एग्जाम्पल है ये कि पीपल शुड ऑलवेज ट्राई टू लिव विद इन दियर लिमिट्स। इलेबरेट ऑन द बेसिस ऑफ चैप्टर नेकलेस। कैसे एक मैसेज दे दिया, ये ज्ञान की बात बोल दी कि हमें अपनी चादर, जितना चादर उतनी पैर फैलाने चाहिए। अब उसको इलेबरेट करो इस चैप्टर के बेसिस पे। तो क्या क्या हुआ था उस चैप्टर में, कैसे नेकलेस में ज्यादा लालच की वजह से वो लोग फंस गए थे, वो पूरा लिखना है। ये तुम स्क्रीनशॉट लेके एक बार रीड कर लो। अब हम देखते हैं प्रेजेंटेशन ड्राफ्ट का क्वेश्चन। देखो प्रेजेंटेशन ड्राफ्ट क्या है, स्पीच ड्राफ्ट तो देख लिया। You have been asked to present an evaluation of the approaches of the mother of both the Siegel and Amanda. जैसे उसमें भी दो चैप्टर को लिया गया था, यहाँ भी दो चैप्टर को लिया गया, कौन सा, सीगल वाला चैप्टर और Amanda, towards helping their children write this presentation draft including insights in about 120 words comparing the approaches of both the parents. मतलब क्या पूछा है क्वेश्चन में, पहले ये समझो, प्रेजेंटेशन ड्राफ्ट है ये तो मालूम है। पूछा गया है कि दोनों की मदर कैसे हेल्प करती हैं, सीगल की मदर और Amanda की मदर, क्या अप्रोच है दोनों की टुवर्ड्स हेल्पिंग देयर चिल्ड्रन, इस पर एक प्रेजेंटेशन बनाना है। अब देखो स्पीच ड्राफ्ट में हम लोग पूरा स्टार्ट कर रहे थे कि गुड मॉर्निंग, हाय एवरीवन, क्योंकि स्पीच देना है। प्रेजेंटेशन ड्राफ्ट में ना तुमने देखा होगा ऑफिस वगैरह में, किसी मूवी में देखा होगा, कहीं भी देखा होगा कि कैसे पावर पॉइंट पे स्क्रीन पे प्रेजेंटेशन देते हैं। तो मतलब कि सब कुछ लिखा होता है प्रेजेंट पीपीटी पे समझ लो, और प्रेजेंटेशन देना होता है। तो यहाँ पे तुम्हें कुछ गुड मॉर्निंग नहीं करना, यहाँ पे फॉर्मेट क्या है कि पहले डालो, देखो मान लो दो चैप्टर दिया हुआ है 1-2, और तीसरी चीज क्या बोली हुई है कि कंपेयर करके बताओ। तो पहली हेडिंग रहेगी अपनी इसी चीज के बारे में, पहले चैप्टर के बारे में, द बेबी सीगल्स मदर। ठीक है, कि सीगल की मदर का क्या अप्रोच था, पूरा लिख दो कि द बेबी सीगल वॉज अ पेरेंट हु वॉन्टेड टू बेटर चाइल्ड बाय पुशिंग हिम आउट ऑफ हिज कम्फर्ट जोन एंड इनकरेजिंग हिम टू लर्न न्यू स्किल्स, पूरा लिख दो जो तो पता तुमको। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग नेक्स्ट चैप्टर की, Amanda's मदर। अब उसके मदर के बारे में जो पता है सब लिख दो कि एज अ स्ट्रिक्ट एंड क्रिटिकल फिगर हु इज प्रेजेंटेड एज ऑलवेज करेक्टिंग Amanda's बिहेवियर फ्रॉम हर पोस्चर एंड हैबिट्स टू हर एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड पर्सनल हाइजीन। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड चीज कर दो जो कंपैरिजन बोला गया है। तो यानी कि प्रेजेंटेशन जैसे बनाते हैं ना हेडिंग, फिर उसके नीचे लिखते हैं, उस तरह के फॉर्मेट में हमें ये लिखना है। और ये भी क्वेश्चन उस वीडियो, जो वीडियो की बात मैं कर रहा हूँ उसमें करा रखा है, इस तरह की चीज कर दी कंपैरिजन, और आखिरी में एक वन लाइनर का कंक्लूजन दे दिया। अल्टीमेटली द बेस्ट अप्रोच ऑफ बोथ द पेरेंट्स वुड बी द वन दैट वुड बैलेंस पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट विद सेंसिटिविटी टू द चाइल्ड नीड्स एंड लिमिटेशंस। ठीक है, गॉट इट। एक क्वेश्चन इस टाइप का आ सकता है, कम चांसेस है बट आ सकता है, तो इसलिए हम मिस नहीं करेंगे। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉन्वर्सेशन बेस्ड क्वेश्चन।
कि कॉन्वर्सेशन लिखने को आती है। क्वेश्चन थ्री पढ़ो, राजवीर वॉज, अगर नहीं समझ में आ रहा है, नहीं दिख रहा है क्लियरली, तो मैं रीड कर रहा हूँ। राजवीर वॉज इलेटेड आफ्टर रिटर्निंग होम फ्रॉम आसम, ही हैड अ लॉट टू टेल अबाउट हिज रिसेंट विजिट। इमेजिन योर सेल्फ एज द नैरेटर ऑफ द ट्रेवलॉग, ट्रेवलॉग ठीक है, जो भी ट्रेवलॉग था चैप्टर टी फ्रॉम आसम, उसका नैरेटर समझो खुद को, एंड राइट एन इमेजिनरी कन्वर्सेशन, इमेजिनरी कन्वर्सेशन लिखनी है खुद से बना के। फेयर राजवीर शेयर्स द डिटेल्स अबाउट हिज हॉलीडेज विद प्रांजोल टू हिज सिस्टर ऑन रिटर्निंग होम, कि तुम राजवीर, कि तुम नैरेटर हो और राजवीर शेयर कर रहा है डिटेल्स अपनी हॉलीडेज के बारे में, जो प्रांजोल के साथ उसने वक्त बिताया, किसको, अपने सिस्टर को बता रहा है, तो अब उसको पूरा पूरा लिखना है। तो कौन से दो कैरेक्टर हैं, पहला कैरेक्टर राजवीर, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला कैरेक्टर राजवीर, कन्वर्सेशन कर लिखना है, जैसे डायलॉग लिखते हैं ना, स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट एक मूवी की या थिएटर की, राजवीर, फिर राजवीर सिस्टर, फिर राजवीर, फिर राजवीर सिस्टर, ये देखो, फिर राजवीर सिस्टर, फिर एंड में राजवीर, यानी जिस कैरेक्टर से बात शुरू करो उसी पे बात एंड करनी पड़ेगी, ठीक है, और ज्यादा नहीं, ये छह सात स्टेटमेंट्स की कन्वर्सेशन तुम्हें लिखनी है। जैसे राजवीर बोल रहा है, ओ डियर व्हाट अ फन फील्ड ट्रिप इट वाज, ऑल्दो आई हैड रिसर्च्ड अ लॉट अबाउट टी एंड इट्स कंजम्पशन बिफोर गोइंग टू आसाम, आई लर्न्ड इवन मोर अबाउट इट व्हेन आई सॉ इट विद माय ओन आइज। अब राजवीर सिस्टर बोलती है, ब्रदर टेल मी सम मोर फैक्ट्स अबाउट टी, तो श्योर, डू यू नो दैट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ टी प्लांटेशन इज इन आसाम, वन कैन सी टी गार्डन्स एवरीवेयर इन आसम, ऑल्सो द बेस्ट यील्ड ऑफ टी इज इन द सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग सीजन, दैट इज बिटवीन मे एंड जुलाई। जो भी पता है चैप्टर के बारे में उसको स्टेटमेंट्स में कन्वर्ट कर दो। फिर राजवीर की सिस्टर बोलती है, दैट्स वंडरफुल, आई हैव ऑल्सो रेड दैट टी प्लकिंग इज अ होलसम एक्टिविटी एंड इट रिक्वायर्स ग्रेट एफर्ट्स टू डू दैट। फिर राजवीर, सर्टेनली इट इज एन आर्ट, आई एम ग्लैड आई डिसाइडेड टू ज्वाइन प्रांजल ऑन दिस ट्रिप। फिर राजवीर बोलती है, येस बट नेक्स्ट टाइम टेक मी अलॉन्ग विथ यू टू, हमें भी ले चलना अपने साथ। राजवीर बोलता है ओके। तो देखा, छः सात आठ स्टेटमेंट में कैसे खत्म कर दिया, और इस टाइप का कॉन्वर्सेशन स्टेटमेंट क्वेश्चन बहुत ईजी होता है। ये सारे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन तुम्हें मैंने फॉर्मेट बता दिए, फॉर्मेट पता रहेगा तो ये बहुत ईजी होगा और फ्री के मार्क्स तुम लूट के ले जाओगे एग्जामिनर से। बस सही तरीके से लिखना, कोई टफ वर्ड यूज मत करना, और इजी वर्ड्स में सिंपल तरीके से फॉर्मेट फॉलो करते हुए लिखना। और वो वीडियो जरूर देख लेना, टॉप 100 क्वेश्चंस वाली, ग्रामर की वीडियो पढ़ी है, राइटिंग सेक्शन की वीडियो पढ़ी है, और अनसीन पैसेज की भी वीडियो पढ़ी हुई है, एनिमेटेड लेक्चर्स भी पढ़े हैं, जाके देखना। फ्री सैंपल पेपर्स तुम्हें हमारे फ्री ऐप पढ़लक्ष्य पर मिल जाएंगे, जाकर उनका यूज करना। टेलीग्राम चैनल पे काफी सारी शीट्स डाल दी हैं, तो फिर करना क्या है, नोटिफिकेशन छेड़ दे कि अगली वीडियो मिस ना हो, एंड देन जाना, जा पढ़ ले।